नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जी के सलान में। दोस्तों, अद्वार्षिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा 9वीं के लिए विज्ञान का एक ओल्ड पेपर है जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरा पेपर आपको अच्छे से देख लेना है ताकि आपको पूरा क्लियरफाई समझ में आ चुका जाएगा कि इस बार जो आपकी अद्वार्षिक परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको बता दूं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें से लगभग 30 से 40% जो पर्सन है वो ऐसे के ऐसे रिपीट होते हैं, इसलिए आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनको ज़रूर पढ़ के जाए। यहाँ पे दोस्तों आप देख पाएंगे कि सबसे पहले जो आपका ऑप्शन यानी कि 4 ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाएंगे बहुविकल्प वाले पर्सन। ये पर्सन दोस्तों आपके 5-7 क्वेश्चन होंगे जिन जो कि एक एक नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जल का क्वथनांक है वो कितना होता है। तो यहाँ पे आपका जल का क्वथनांक हो जाता है आपका कितना, 273 के होता है, ठीक है। दूध से क्रीम पृथक करने की जो विधि है उसको अपन क्या बोलते हैं। देखिए, मैं बात करूँगा दूध, दूध हमारा यहाँ पे रहता है। अब हम क्या करेंगे, इसको आपने देखा होगा कि जो भी आपका गाढ़ा होता है उसमें रख के फिर इसको बिलोया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि सेंट्रिफ्यूगल फोर्स बनेगा। सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होगा, जो हमारा दही है वो अलग हो जाता है, ठीक है। छाछ वगैरह जो अलग हो जाती है, इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, क्रीम का मेथड भी इसी प्रकार से होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, कोशिका की आत्मघाती थैली है उसको अपन क्या बोलते हैं, ये आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट देखिए, बल का एसआई मात्र क्या होता है। देखिए, बल मेरा क्या है, बल एक प्रकार में मेरा क्या है, फोर्स है। फोर्स यानी कि बल क्या है, एक ताकत है। ताकत क्या है, एक फोर्स है। फोर्स के रूप में होता है, ठीक है। और अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स मेरा किस में आता है, कार्य में आता है, ठीक है। कार्य किस श्रेणी में चला जाता है मेरा, यानी कि न्यूटन में चला गया, जूल वाट पास्कल, ठीक है। ये अलग अलग हो गया, तो आपको अपने अकॉर्डिंग देना है आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। वेग में परिवर्तन की दर को अपन क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, ठीक है। त्वरण या एक्सीलरेशन जो बोलते हैं अपन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के क्या होता है। देखिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य, मान लीजिए कोई वस्तु है, अब इस पर अपन कार्य कर रहे हैं, ठीक है। डब्लू कार्य किया, हमने बल लगाया, ये विस्थापन हुआ उसमें, ठीक है। तो विस्थापन किसके बराबर होता है ये पूछ लिया गया है। कमरे के ताप पर पारा किस अवस्था में होता है, तो ये आप सभी जानते हैं, ये दर अवस्था में पाया जाता है। अवोगाद्रो संख्या का मान है वो आपको बताना है, जो कि आपको बताया कि कितनी होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए, 6.2 ऐसा करके होती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अति लघुतात्मक आपके प्रश्न आते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करना है। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, माइटोकांड्रिया हो जाता है। फ्लोएम के घटक और कार्य आपको लिखना है। क्षतिशरीय किसे कहते हैं, निम्न तापमानों को सेल्सियस में इकाई में परिवर्तन करना है, ठीक है। ये आपको केल्विन में दिया गया है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। दोस्तों, अगर कोई भी हमारा सेल्सियस है, मान लीजिए कि मेरा 30 डिग्री सेल्सियस है, अगर इसमें मैं 273 ऐड करूँगा तो ये किस में बदल जाएगा, केल्विन में बदल जाएगा। तो यहाँ से आप इसको माइनस कर लीजिए। इसके बाद देखिए, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, ये हो गया। निम्न को आपको परिभाषित करना है, विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, यदि एम द्रव्यमान की वस्तु हो गया, ये न्यूमेरिकल टाइप हो गया आपके, और कंपोस्ट एम वर्मी कंपोस्ट में अंतर लिखिए, ठीक है। ये सारे प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और अद्वार्षिक के सिलेबस को पूरा कर रहे हैं सारे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको ओरली पूरा पेपर है वो बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी हम इसके सॉल्यूशन के साथ भी अगले वीडियो में मिलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपका कोई भी कमेंट आप पर्सनली भी कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सअप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे निम्न पर आपको टिप्पणी लिखनी है, जिसमें बी ई सी हो गया, प्लाज्मा हो गया, अपकेंद्रीय जो बल है या अपकेंद्रण है वो क्या है। निम्नलिखित यौगिकों के आपके अणुसूत्र है वो आपको बताने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर आपको लिखना है 100%। हर बार आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, रट लेना इसको। इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, संक्रामक रोगों को फैलने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, किन्हीं 2 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये आपका एक न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है, न्यूमेरिकल आपके चेंज हो सकते हैं। राइबोसोम के कार्य लिखना है। उत्तक किसे कहते हैं, पेशी उत्तक के बारे में लिखना है। तंत्रिका कोशिका, दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है, 100% रट लेना, 4 नंबर का, ठीक है। इसके बाद देखिए, त्वरण किसे कहते हैं, ये न्यूमेरिकल आपका आ चुका है, ठीक है। बस का त्वरण क्या होगा, चाल वेग में अंतर लिखिए, समान गति वस्तु, ये भी हो गया आपका, जो कि आपको ग्राफ पे डिनोट करना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, निम्न को आपको समझाना है, जिसमें कि अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है, क्योंकि दोस्तों जो हमारे पैर है, हमारे जो निचले वाला हिस्सा है, हमारे पैर क्या होता है, गतिशील जो आपकी बस है उसके साथ अटैच रहते हैं, ठीक है, तो वो उसके साथ स्थिर हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, हमारा सिर वगैरह है, ठीक है, ऊपर वाला, वो क्या होता है कि फ्री रहता है। तो फ्री रहेगा तो वो क्या होगा,
जब भी आगे किसी ब्रेक लगेगा तो ये हमारा हिस्सा आगे मूव करता है, बाकी पैर इतनी जल्दी मूव नहीं करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा हम झुक जाते हैं आगे की ओर, तो वो यही कारण है। ठीक है, इस क्योंकि हमारे जो पैर वगैरह हैं वो इस तरह अवस्था में रहते हैं, जबकि हमारा ऊपर का शरीर वो गतिशील अवस्था में रहता है। बंदूक से गोली दागने पर कंधे को धक्का क्यों लगता है? तो ये प्रतिक्रिया का नियम होता है हमारा। न्यूटन के नियम आपने पढ़े होंगे, जिसमें कि क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है वो यहाँ पर फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए न्यूटन की गति के नियम है वो भी आपको पढ़ लेने हैं। न्यूटन की गति के आधार पे आपको न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरा पेपर हो चुका है। ठीक है, कक्षा 9th के लिए हमने यहाँ पे बात कर लिया है, किसके बारे में, जो कि आपका कौन सा पेपर है, अद्वार्षिक परीक्षा का पेपर है विज्ञान का। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों मैंने सामाजिक का नहीं बनाया सर, मैथ का मैंने बता दिया है आपको, और राजस्थान की जो स्वतंत्रता आंदोलन शौर्य परंपरा है वो मैंने बता दिया, इंग्लिश का भी शायद मैंने बता दिया है। लेकिन जो भी हमारे पास संभावित पेपर है जहाँ से आपके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो सब आपको बता दूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भेज देना, आपका कोई कमेंट है तो कमेंट कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।